भाई साहब से का स्वागत है एनिमे ट्यूबर चैनल पे। भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है एनिमे और कार्टून से रिलेटेड छोटी से छोटी न्यूज़ एंड बड़ी से बड़ी अपडेट। तो भाई आज का वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा फम, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो जितनी हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने में कुछ जाएगा नहीं और सब्सक्राइब करने में भी सिर्फ आपको एक उंगली को तकलीफ करके सब्सक्राइब ऑप्शन दबाना है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। हमारी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मोसिको टेनेसी का नए एपिसोड 6 मार्च से प्रसारित होना शुरू, मतलब कि ऑन एयर हो जाएंगे, मतलब कि इसका सीजन 1 आपको म्यूजा एशिया पे देखने को मिल जाएगा। आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं कब से आपसे बोले जा रहा हूँ कि म्यूजा एशिया और एनिमन एशिया पे आप एनिमे जाके देख सकते हैं, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं बनता। फ्री में आपको यूट्यूब पर एनिमे देखने को मिल रहा है, वो भी लीगली। लीगली में कोई बुराई तो है ही नहीं बेसिकली कह सकते हैं, लेकिन कार्टून नेटवर्क में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं भाई, उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो हमारी अभी निकल के आ रही है वो है डेमन स्लेयर का सीज़न 3 कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम होगा स्वॉर्ड्समैन आर। तो बेसिकली सीज़न 2 में सिर्फ 11 एपिसोड थे, पता नहीं सीज़न 3 में कितने एपिसोड होंगे, लेकिन सीज़न 2 ने पूरा सेटिस्फेक्शन दिया है भाई। मैं कह सकता हूँ एनिमेटर्स ने बजट को लेकर कोई भी कंजूसी नहीं की, जैसे कि इंडियन एनिमेटर्स करते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, इंडियन एनिमेटर्स तो घटिया एनिमेशन बनाने के लिए मशहूर है। कुछ जैपनीज, जैसे कि जैपनीज एनिमे को ले लो, उनमें ओरिजिनलिटी होती है भाई। अभी बाद में बात करेंगे इंडियन एनिमेशन की बर्बादी पे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एनिमे 2024 को रिलीज़ होगा, मतलब कि 2 साल का इंतज़ार, आप 2 साल का इंतज़ार लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एनिमे के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास क्रंची रोल की सब्सक्रिप्शन है तो शायद आपको देखने को मिल जाए, लेकिन क्रंची रोल फ्री में ही रखी, क्योंकि क्रंची रोल की सब्सक्रिप्शन इंडिया में लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एनीमे उतने अवेलेबल ही नहीं है क्रंची रोल पर। मतलब कि नरूटो अवेलेबल है, बरूटो अवेलेबल है, और डार्लिंग फ्रॉम द फारनेस्ट अवेलेबल है, बाकी सारे एनीमे अवेलेबल नहीं है। और स्पोर्ट्स आर्ट ऑनलाइन की मूवी एशिया में आ रही है, एशिया में जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन एशिया के किस किस देशों में ये आएगी पता नहीं, क्योंकि बहुत सालों से इंडिया में किसी प्रकार की एनीमे मूवी को सपोर्ट नहीं किया गया, चाहे वो डीमन स्लेयर, मोंगून ट्रेन हो या फिर बहुत सारी ऐसी मूवीज जो निकल गई, जैसे जुजुत्सु काइसन भी एशिया में आई थी, मैंने बताया था आपको वीडियो बना के, आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं उसमें बताया था। तो अब देखते हैं क्या होता है कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन तो एक अच्छा एनीमे ही है, लेकिन कार्टून नेटवर्क की तरफ से एक और बड़ी खबर, क्योंकि बेंटन ओमनीवर्स कार्टून नेटवर्क आने वाला है। बेसिकली उन लोगों ने बेंटन एलियन फोर्स ले आए और बेंटन क्लासिक ले आए, स्कूबी डू ले आए, मतलब कि कार्टून नेटवर्क पे अब दबाव पड़ रहा है वार्नर मीडिया की तरफ से, क्योंकि तुमने हमारी इतनी टीआर पे गिरा चुकी है, हम सड़े इंडियन कार्टून्स को नहीं। लेकिन अब ये हो गया है कि अमेरिकन कार्टून्स के लिए कार्टून नेटवर्क और इंडियन कार्टून्स के लिए पोगो, आपने देखा होगा, गौर किया होगा। अब कार्टून नेटवर्क पे एक भी इंडियन कार्टून नहीं है, मैं कह सकता हूँ। और क्लासिक टॉम एंड जेरी भी जल्दी शुरू हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ। क्लासिक टॉम एंड जेरी की एड्स हो रही है और बेंटन ओमनीवर्स की भी एड हो रही है, तो हो सकता है पावरपफ गर्ल और ये सब भी जल्दी आ जाए। और मेरा सबसे फेवरेट एनीमे के बारे में आपको डिटेल दे दूँ, क्लासरूम ऑफ इलाइट का सीज़न 2 कन्फर्म हो चुका है। बेसिकली इसका सीज़न 1 आपको म्यूजा एशिया पे देखने को मिल जाएगा। इसका सीज़न 2 देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सीज़न 1 बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत कूल, मतलब कि इसके एनीमे में एक बात है, आप जाके इसको म्यूजा एशिया पे देख सकते हैं, इसकी स्टोरी, इसके बाकी सारी चीज़ें। क्लासरूम ऑफ इलाइट एक अच्छा ही एनीमे है, मैं कह सकता हूँ। मैंने इसको जितने बार भी देखा, मैं इसको 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। तो भाई एक बहुत ही बड़ी डिटेल जो आपको गौर करनी चाहिए, सुपर हंगामा 1 मार्च से प्रसारित, मतलब कि एयर हो जाएगा, मैं क्या हिंदी में बोल रहा हूँ, एयर हो जाएगा भाई, तो 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, शायद हंगामा चला जाएगा, उसकी जगह सुपर हंगामा आ जाएगा। मतलब कि सभी कार्टून चैनल की तरफ से प्रोग्रेस दिख रही है उनके नेटवर्क पे, बेसिकली कह सकता हूँ कि डिज्नी की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही, और भी वही सारे इंडियन कार्टून ऑन एयर किए जा रहे हैं, मतलब उनको प्रसारित किए जा रहे हैं। तो भाई मुझे लगता है इंडियन कार्टून के खिलाफ कोई सख्त कदम उठानी चाहिए, हम फैंस को ही मिलकर कोई सख्त कदम उठानी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको पहले जाके कार्टून नेटवर्क फेसबुक पे पेज पे जाके उन लोगों को थैंक यू कहना चाहिए कि उन लोगों ने बेंटन एलियन फोर्स, वो क्लासिक बेंटन टॉम एंड जेरी क्लासिक ला रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस